हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप की थ्रेड जो यूज होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं थ्रेड होता क्या है, थ्रेड की मीनिंग क्या है। ये थ्रेड इज ए हेलिकल स्ट्रक्चर यूज टू कन्वर्ट बिटवीन रोटेशनल एंड लीनियर मूवमेंट और फोर्स। ए थ्रेड इज ए विथ डेप्थ अराउंड ए सिलेंडर और कम इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स विद द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड ए स्ट्रेट थ्रेड एंड द लेटर कॉल्ड ए टेपर थ्रेड। तो ये जैसे कोई बोल्ट होता है उसमें ये थ्रेड है, तो इनको हम थ्रेड बोलते हैं। अब ये थ्रेड जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग, तो उनके बारे में हम बात करेंगे अभी क्या उन कौन सी होती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम जेंडर के हिसाब से। तो जेंडर के हिसाब से दो टाइप की होती हैं। एवरी मेस पेयर ऑफ थ्रेड एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मेल एंड फीमेल थ्रेड। मतलब दो तरह की थ्रेड होती है, एक तो मेल थ्रेड और एक फीमेल थ्रेड। जो ये है ये हमारी मेल थ्रेड है या एक्सटर्नल थ्रेड है, और जो इसमें बोल्ट में बनी हुई है वो है हमारी इंटरनल थ्रेड या फीमेल थ्रेड। तो ये इस तरह से जेंडर के हिसाब से डिस्क्राइब हो गया। दूसरा होता है हैंड नेस के हिसाब से थ्रेड। द हेलिक्स ऑफ ए थ्रेड ट्विस्ट इन वन ऑफ टू पॉसिबल डायरेक्शन। दो पॉसिबल डायरेक्शन होती हैं किसी भी थ्रेड की, एक होती है राइट हैंड थ्रेड और दूसरी होती है लेफ्ट हैंड थ्रेड। तो बाई कन्वेंशन राइट हैंड इज द डिफॉल्ट हैंड नेस फॉर स्क्रू थ्रेड। मतलब जो डिफॉल्ट रहती है वो हमारी राइट हैंड थ्रेड ही रहती है, लेकिन कुछ चीजों में हम लेफ्ट हैंड थ्रेड भी यूज करते हैं। जैसे हम सिलेंडर जो होते हैं उनमें जो रेगुलेटर लगाते हैं उसमें हम लेफ्ट हैंड थ्रेड भी यूज करते हैं। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड है। इस टाइप से ये आपको देखोगे तो इस टाइप से दिखेगी। फिर हम डिवाइड करते हैं डिजाइन के हिसाब से। तो डिजाइन के हिसाब से हम इसको छह करेक्टरिस्टिक में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली होती है पैरेलल थ्रेड। अभी हम बाद में बताएंगे, पहले ये दिखाएंगे पैरेलल थ्रेड होती है। पैरेलल थ्रेड में क्या होती है, जो आपकी जो डाया है वो सेम होगा एंड तक थ्रेड का, और बिल्कुल पैरेलल में आपको ये थ्रेड दिखाई देंगे। दूसरी होती है टेपर्ड थ्रेड। टेपर्ड थ्रेड में क्या होता है, ये ओडी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे अंदर जाएगी थ्रेड ये ओडी बढ़ता जाएगा। यहाँ सबसे मिनिमम ओडी रहेगा और यहाँ पे मैक्सिमम होता जाएगा। तो ये हमारी टेपर्ड थ्रेड होती है। अब डिजाइन में जो हम बता रहे थे आपको कि सिक्स स्टैंडर्ड यूज होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट में जो यूज होता है वो होता है अमेरिकन पाइप थ्रेड या एनपीटी या एनपीटीएफ। एनपीटी की फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल पाइप थ्रेड। दूसरा हम यूज करते हैं ऐसे ही और यूनिफाइड थ्रेड, जिसको हम यूएन या यूएनएफ बोलते हैं। अब इसमें दो हो जाती हैं, फिर यूएनसी और यूएनएफ। यूएनसी का मतलब होता है कोर्स थ्रेड और यूएनएफ का मतलब होता है फाइन थ्रेड। और वैसे नॉर्मली जो यूएन का मतलब है वो है अनिफाइड नेशनल थ्रेड। तीसरी होती है बीएसपीपी, मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप पैरेलल थ्रेड। फोर्थ होती है हमारी बीएसटीटी, यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप टेपर्ड थ्रेड। फिफ्थ होती है हमारी मीट्रिक पैरेलल और सिक्स होती है हमारी मीट्रिक टेपर्ड। तो ये छह हमारे स्टैंडर्ड हैं जो कि हम यूज करते हैं, और जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एनपीटी और फिर उसके बाद बीएसटी। जो पैरेलल थ्रेड होती हैं वो आती हैं यूएन यूएनएफ में, बीएसपीपी में और मीट्रिक पैरेलल में। ये तीनों जो होते हैं स्टैंडर्ड, ये हमारे पैरेलल थ्रेड में है। और टेपर्ड थ्रेड में जो आते हैं वो आते हैं एनपीटी एनपीटीएफ बीएसपीटी और मीट्रिक टेपर। ये हमारे हम आते हैं टेपर्ड थ्रेड में। ये एक है जैसे एनपीटी का जो स्टैंडर्ड है वो ASME V1.20.1 है। ऐसे एनपीटीएफ का ये है G कनेक्शन और R कनेक्शन का ये है। इसमें जो थ्रेड सेफ है, एनपीटी में टेपल्ड रहेगी, एनपीटीएफ में भी टेपल्ड रहेगी,
जी में स्टेट रहेगी और आर कनेक्शन में टेपर्ड एंड स्टेट, आर का मतलब रिवर्स। इसमें हम डेजिनेशन क्या है, एनपीटी बोलते हैं इसको भी, एनपीटीए बोलते हैं। इसमें क्लास ए एंड जी फॉर एक्सटर्नल, इसमें इंटरनल आर सी एंड आर पी। एक्सटर्नल आर ऑलवेज टेपर्ड, जो थ्रेड का एंकल होता है वो एनपीटी में 60 डिग्री होता है और जी और आर कनेक्शन में 55 डिग्री का होता है। जो एनपीटी होती है और जी कनेक्शन होता है वो सीलेंट के लिए भी यूज करते हैं, और एनपीटीएफ और आर कनेक्शन सीलेंट में यूज नहीं की जाती। अब आपने देखे होंगे कुछ बोल्ट जो होते हैं उनमें फुल थ्रेड होती है, कुछ में क्या है हाफ थ्रेड होती है, तो वो कहाँ पे कैसे यूज करते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। जो पैरेलल थ्रेड बोल्ट होते हैं वो यूज होते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, या आपको कोई मोटर माउंट करनी है या वाटर पंप माउंट करनी है, वहां पे हम पार्शियल थ्रेड मतलब आधी हाफ थ्रेड जहाँ यूज होती है वो करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमें हाई प्रिसीजन और एक्सट्रीम होल्डिंग फोर्स चाहिए होता है जो कि पार्शियल थ्रेड से मिलता है। दूसरा होता है फुल थ्रेड बोल्ट। फुल थ्रेड बोल्ट जो होते हैं वहां पे यूज करते हैं जहाँ आपको मोर ग्रिप स्ट्रेंथ चाहिए होती है। ये जो यूज करते हैं हम, ये बॉडी पैनल्स में यूज करते हैं जहां पे आपको सेम लेवल का होल्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता जितना कि आपको किसी मोटर को माउंट करने में होता है। तो ये इस तरह से हमारी पार्शियल थ्रेड कहाँ यूज करते हैं और फुल थ्रेड कहाँ यूज करते हैं, ये हो गया। ये हमारी एक बुक है ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ये इसके चैप्टर हैं। तो अगर आपको ये परचेज करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अमेज़न से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।